ये जामा मस्जिद गमामा है और इसके हिस्ट्री कुछ यूँ है कि एक दफ़ा जब बारिश नहीं हो रही थी तो आका करीम ने यहाँ पर नवाफिल अदा फरमाए और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ फरमाई तो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से बारिश अता फरमाई। आका करीम की दुआ से अल्लाह ताला ने बारिश अता फरमाई। तो ये मस्जिद गमामा है और अब आपको अंदर से दिखाते हैं। और ये अब आपको दिखाते हैं जहाँ आका करीम ने नमाज़ पढ़ाई थी वो जगह दिखाते हैं आपको। ये वो मुसल्ला है, इस जगह पे आका करीम ने नमाज़ पढ़ाई थी। ये बहुत खूबसूरत किस्म की मस्जिद है और ये बाद में इसको मजबूत करने के लिए नीचे से ये पत्थर वगैरह लगाए गए। अंदरून जो है अभी तक वही है, बस इसको मजबूत करने के लिए पत्थर वगैरह लगाए गए हैं। बहुत खूबसूरत किस्म की मस्जिद है ये और बहुत मजबूत है। अल्हम्दुलिल्लाह हुजाज इकराम जो हैं उनके पैसों से, उनकी आमदनी से जो अरबों खरबों रुपए हासिल होते हैं उसमें से कुछ इस पर भी खर्च किए गए। बहुत खूबसूरत है ये मस्जिद गमामा, ये मस्जिद गमामा जिसमें आका करीम ने दो नवाफिल अदा किए और दुआ फरमाई और बारिश हो गई। मस्जिद गमामा, तो इसकी ये सामने मस्जिद नबवी है, ये दूसरी तरफ होटल्स हैं और ये मेन रोड पे ही मस्जिद वाकिया है। बहुत खूबसूरत मस्जिद है, मस्जिद नबवी के बिल्कुल नज़दीक ही है, कोई फासला नहीं, एक मिनट का भी फासला नहीं है। बहुत खूबसूरत मस्जिद है। तो यहाँ पर अब हम दो नवाफिल अदा करेंगे, आका करीम की सुन्नत पूरी करेंगे और आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।